छिंदवाड़ा की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कृषि शाखा में हुए गबन की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के काले कारनामे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। तीसरी जांच रिपोर्ट में 4,15,78,250 रुपए की गबन की बात सामने आई है। सहकारिता की एक टीम अभी भी इस मामले में जांच कर रही है। सहकारिता विभाग की एक टीम ने पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल को एक जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 4,78,250 रुपए के गबन से जुड़े दस्तावेज थे। बैंक ने अपनी तीसरी जांच रिपोर्ट में घोटाला करने वाले बैंक के अधिकारी, कर्मचारी और उन किसानों के नाम शामिल किए हैं जिनके खातों से राशि का लेन देन हुआ है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कृषि शाखा में हुए गबन के मामले में बैंक पहले दो जांच रिपोर्ट सौंप चुका है, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए का गबन पहले ही सामने आ चुका है। कोतवाली पुलिस कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में भी पेश कर चुकी है, जहां से उनका जेल वारंट काटा जा चुका है। तीसरी जांच रिपोर्ट में आरोपियों की संख्या 100 हो चुकी है, जिसके चलते बैंक की जांच कमेटी और बैंक के अधिकृत अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल से तीसरी जांच रिपोर्ट के आधार पर दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मांग की है, जिस पर एसपी अग्रवाल ने नियमानुसार कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। बता दें कि घोटाले का मास्टरमाइंड कृष्णा साहू अपने अन्य साथियों के साथ अभी भी जेल में बंद है। उसमें 90 दिनों के भीतर पुलिस की बाध्यता होती है कि वो पुलिस चालान पेश करे। आज 3 अभियुक्त से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस केस की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सेकंड FIR इसको नहीं करते तो अपने आप में आप अमाउंट देखें, ये 4,15,00,000 रुपए का क्रॉस कर रहा है। हमारे पुराने जो अमाउंट थे वो 2 करोड़ रुपए के थे, लेकिन ये मामला 4 करोड़ का है और लगभग हम 100 लोगों के खिलाफ आवेदन लेकर आए। इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताना ये चाहूंगा कि कोऑपरेटिव बैंक की पूरी टीम ने पूरी जांच करके, पूरी तैयारी करके इस बात को पाया कि जो खाता धारकों के खाते में पैसा पहुंचा वो खाता धारक कहीं से अधिकृत ही नहीं थे, ना उनके कोई वाउचर्स थे, ना उनके पास ऐसी कोई जानकारी थी जिससे वो अपने आप को बता सकते कि हम तक पैसा कैसे पहुंचा। ऐसी दशा में इनके खिलाफ शक गहराया, कोऑपरेटिव बैंक की पूरी जांच टीम ने इसकी जांच की और ये मामला लेकर हम आज माननीय पुलिस अधीक्षक के महोदय के सामने पहुंचे और हमने कहा है, हमने रिक्वेस्ट की कि सर इसको बतौर सेकंड FIR ट्रीट किया जाए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा आज एक आवेदन पत्र और कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि कुछ महीनों पूर्व जो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली में इसी संबंध में दर्ज हुई थी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट और उनके अधिवक्ता द्वारा की गई जांच के प्रतिवेदन के साथ वो कहना चाह रहे हैं कि इस घटना में और भी अधिक राशि इन्वॉल्व है और उसमें अन्य लाभार्थियों द्वारा भी इसमें कूट रचना और अन्य माध्यमों से अनुचित लाभ प्राप्त किया गया। आवेदन पत्र को जांच में लिया जा रहा है और संबंधित जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है कि इसमें वैधानिक स्थिति के अनुरूप उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।